अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। ये बताइए कि असल में इस वक्त आवाम को जो है वो सस्ते और बेहतरीन इन्वर्टर चाहिए लेकिन मुनासिब कीमतों में, क्योंकि चंद ब्रांड्स हैं जो इनकी मोनोपोली चल रही मार्केट में और लेकिन उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हाई है। ऐसा ही है। और सोलर सिस्टम में जो है आधी पैसे तो इन्वर्टर और बैटरीज के लिए जाते हैं, मतलब पैनल तो सस्ते हैं, तो आप ये बताइए कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ स्पेशलिटी है पास कि मतलब जो मुनासिब पैसों में मतलब बेहतरीन चीज़ मिल जाए और आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी हो उसकी और वारंटी भी अच्छी हो? जी अच्छा, बिल्कुल। हमारे पास जो है कंप्लीट रेंज है हमारे पास हाइब्रिड इन्वर्टर की। अच्छा। हमारे पास 3 किलोवाट से लेके 15 किलोवाट तक के हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं। ठीक है। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ऑन ग्रिड के रेंज है 5 किलोवाट से लेके 110 किलोवाट तक। अच्छा जी, ठीक है। और जहाँ तक प्राइस की आपने बात करी, नॉक्स आपके सामने काफी मल्टीनेशनल ब्रांड है ये। अच्छा जी, चार कंट्रीज में हमारे ऑफिस हैं। अच्छा। जिससे पाकिस्तान के अलावा सही है, मल्टीनेशनल ब्रांड है और उसके साथ ही साथ जो प्रोडक्ट्स हैं इंतहाई अच्छी क्वालिटी के हमने प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। अच्छा सही है। जिसके हिसाब से और कम प्राइस में हमने रखे हैं ताकि जो आवाम है वो ईजिली इन्वर्टर्स को लेके अपने घर पर सोलर सिस्टम लगा सके, क्योंकि आज के इलेक्ट्रिक ने जितना लोगों को परेशान किया हुआ है बिल्कुल ऐसे ही, पास कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। ठीक हो गया। नॉक्स हमने कंप्लीट सीरीज पर रिसेंटली हमने काफी प्राइस डाउन करी है, ठीक है, ताकि हम सबको फैसिलिटेट कर सकें। ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे सर, बताएंगे जरा? यहाँ से स्टार्ट करते हैं सर, ये एल्गॉन सीरीज है हमारे पास। अच्छा ठीक है। ये ऑफग्रिड में आ जाती है, ऑफग्रिड में हमारे पास दो मॉडल्स हैं, एक 3 किलोवाट में एक 5 किलोवाट में। ठीक है ठीक है ठीक है। इसके बाद अगर आप आगे बढ़े तो ये क्रिप्टॉन सीरीज है हमारे पास। ये 3 किलोवाट, ये 5 किलोवाट है, ये 4 है, ये 4 किलोवाट है, ये 4 किलोवाट है। ठीक है। तो इसके बारे में जरा बता दें जरा कि मतलब कितनी बैटरीज लगेंगी इसके सर? ये बताइए, जैसे देखिए 3 किलोवाट है, 3 किलोवाट में 24 वोल्ट पे आप दो बैटरीज इसको देते हैं। ठीक है ठीक है। और जहाँ तक आप 4 किलोवाट से बात करते हैं तो ये जो है 48 वोल्ट पे आप इसको ऑपरेट करते हैं। ठीक है। इसमें 4 बैटरीज आपको लगानी पड़ती हैं। सही है सही है। ठीक है। और ये 4 किलोवाट से जो हमारी 15 किलोवाट तक की रेंज है सब में आपको 4 बैटरीज देनी है, सारे 48 वोल्ट ऑपरेटेड है। ये 4 किलोवाट का इन्वर्टर। इसके बाद इसी सीरीज में हम आगे आ जाते हैं, हमारे पास जो 6 किलोवाट है। ठीक है। 6 किलोवाट में भी हमारे पास इसमें दो मॉडल है, एक क्रिप्टॉन 7500 है, इसकी पीवी कैपेसिटी 7.5 किलोवाट की है। 7.5 किलोवाट की है। ठीक है। वरना 6 किलोवाट का इन्वर्टर है। प्राइस बता दें, प्राइस वगैरह क्या है? ऑपग्रेड में मैंने आपको बताया 3 किलोवाट का इन्वर्टर है, ये जो है आपको यहाँ पे 110,000 में मिल जाएगा। ठीक है। जिसकी पहले 1,10,000। ठीक है। जिसकी पहले प्राइस हमारे पास 130 अबव होती थी, मतलब 30,000 से अबव होती थी। ठीक है। रिसेंटली जो प्राइस कम हुई है तो इसको हम 110 पर लेके आए। पीवी कितनी इसकी? इसकी पीवी 4 किलोवाट की है। ठीक है। 4 किलोवाट की पीवी है। इसी में जो हमारा अपग्रेडेड मॉडल है 5 किलोवाट का, वो आपको मिल जाता है 150,000 में। ये कौन सा है? ये 4 किलोवाट है। इसी सीरीज में जो 5 किलोवाट है वो भी डिस्प्ले में नहीं है। हाँ, डिस्प्ले में नहीं है। ठीक है। इसी सीरीज में 5 किलोवाट है वो मैंने आपको बताया, वो आपको 150,000 में मिल जाता है और 6 किलोवाट की इसकी पीवी कैपेसिटी है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास हाइब्रिड सीरीज स्टार्ट हो जाती है। ये 4 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है जिसकी प्राइस जो आपको पड़ती है वो 140,000 की पड़ती है। ठीक है ठीक है ठीक है। साथ ही साथ इसकी 5600 वाट की पीवी कैपेसिटी है। ठीक है। सिंगल फेज हाइब्रिड इन्वर्टर है। ठीक है। इसी से आगे आ जाते हैं, ये हमारे पास 6 किलोवाट में हाइब्रिड इन्वर्टर्स है। ठीक है। और 6 किलोवाट में हमारे पास दो मॉडल है, एक की पीवी कैपेसिटी जो है वो 7500 है, सही है, एक की 8 किलोवाट की है। अच्छा अच्छा। ये जरा फर्क है इन दोनों में, ये फर्क है। सही है। ठीक है। प्राइस और बता, प्राइस की अगर बात करें तो ये इन्वर्टर आपको मिल जाता है 6 किलोवाट का 180,000 में। 1,80,000 जी, 180,000 में आपको इन्वर्टर मिल जाता है। और ये वाला इन्वर्टर आपको मिल जाता है 190,000 में। 1,90,000 का जी। ठीक है। ये कितने किलोवाट का है? ये भी 6 किलोवाट है। ये भी 6 किलोवाट है, ये भी 6 किलोवाट है, दोनों में सिर्फ पीवी कैपेसिटी का फर्क है। वारंटी जरा बताएं, जरा इस पार्ट्स और सेल्स आफ्टर सेल्स वारंटी जरा बताएं। देखिए, हमारे पास जो क्रिप्टॉन सीरीज है ये IP21 हाइब्रिड सीरीज है, इसकी वारंटी जो है हम 1 ईयर प्रोवाइड कर रहे हैं। 1 ईयर पार्ट्स वारंटी है, 10 ईयर सर्विस वारंटी है। अच्छा, 10 ईयर सर्विस जी। इसी के अलावा हम हाइब्रिड में जो हमारे पास जिनॉन सीरीज है, यहाँ से 6 किलोवाट से स्टार्ट हो रही है। ठीक है। जिनॉन सीरीज जो है इसमें जो हम आप जो है वारंटी दे रहे हैं, इसमें 2 ईयर की पार्ट्स की वारंटी है और इसमें भी 10 ईयर सर्विस वारंटी है। ये कौन सा, ये वाले जरा बताइए? ये भी क्रिप्टॉन है, ये क्रिप्टॉन में आपके पास 8 किलोवाट का इन्वर्टर है। ये ऑन ग्रिड तो नहीं है? नहीं, ऑन ग्रिड नहीं, सिर्फ हाइब्रिड है। सब हाइब्रिड, ऑफ ग्रिड है, हाइब्रिड है, हाइब्रिड है। ठीक है। सारे ये हाइब्रिड इन्वर्टर अभी 8 किलोवाट का है जी। ये जरा प्राइस बता दें। ये 8 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है, इसकी प्राइस जो है वो आपको मिलेगी 3,50,000। ठीक हो गया। हाइब्रिड 48 वोल्ट में हाइब्रिड इन्वर्टर है, 4 बैटरी लगेगी इसमें जी, इसमें भी 4 बैटरी लगेगी। ठीक है। इसके बाद भी हमारे पास यहाँ पे सीरीज चेंज हो जाती
है जी जी। ये हमारे पास यहाँ से Xenon सीरीज स्टार्ट है जो कि हाइब्रिड इन्वर्टर में IP65 सीरीज है। अच्छा, यहाँ से IP65 स्टार्ट हो जाता है जी, या IP65 सीरीज हमारी स्टार्ट हो जाती है हाइब्रिड इन्वर्टर में। ठीक है, ये उसका 6 किलोवाट का मॉडल है जो आपको कॉस्ट करता है अराउंड 2,60,000 जी, 2,60,000 ठीक है। IP65 में ये हमारा स्टार्टिंग मॉडल है 6 किलोवाट ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास 8 किलोवाट आ जाता है, सही है ठीक है। ये भी IP65 है, 11,000 किलोवाट की इसकी पीवी कैपेसिटी है, वो 11 किलोवाट की हाँ 11 किलोवाट की पीवी कैपेसिटी है, 11,000 वाट सही ठीक है उसकी पीवी कैपेसिटी है। और ये जो आपको कॉस्ट करता है, ये आपको कॉस्ट करता है 3,80,000 ठीक है। ये दोनों यहाँ से मतलब है कि IP65 स्टार्ट हो जाती है जी। ये Xenon 9,000 जो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ से हमारे पास IP65 की सीरीज है। और ये जो है ये हमारे पास 12 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है, ये 3 फेज में अवेलेबल है, 3 फेज में जी, 3 फेज में IP65 इन्वर्टर है, सही है ठीक है। और ये जो आपको कॉस्ट करता है, ये अराउंड कॉस्ट करता है 7,40,000 7,40,000 जी ठीक है। ये 3 फेज में हाइब्रिड इन्वर्टर है IP65 सही है ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास 15 किलोवाट आ जाता है, 15 किलोवाट हाँ 15 किलोवाट इसकी पीवी कैपेसिटी है 22,500 वाट सर 22 किलोवाट की आप इसमें पीवी लगा सकते हैं सही है। और इसकी जो प्राइस है वो हम लोग क्लोज कर रहे हैं 8,40,000 पे। कितने लगा क्या है? 8,40,000 8,40,000 जी। ये भी 3 फेज हाइब्रिड इन्वर्टर है। ऑन ग्रिड आपके पास है? ऑन ग्रिड जी बिल्कुल, हमारे पास ऑन ग्रिड की भी कंप्लीट रेंज मौजूद है। इसमें हमारे पास 5 किलोवाट से लेकर 110 किलोवाट तक के इन्वर्टर्स है। डिस्प्ले के लिए हमारे पास 10 किलोवाट का इन्वर्टर आपके सामने लगा हुआ है, सही है ठीक है। ये 10 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर, वो ऑन ग्रिड इन्वर्टर है 3 फेज में, 5 ईयर जिसकी कंप्लीट वारंटी है ठीक है। और ये भी IP65 में हमारे पास अवेलेबल है। इसमें जो आपको 10 किलोवाट की प्राइस मिल जाएगी वो मिल जाएगी 1,80,000 सही है ठीक है। 10 किलोवाट की 1,80,000 आपको प्राइस मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पे हमारे ये 20 किलोवाट का इन्वर्टर आपके सामने डिस्प्ले लगा हुआ ग्रेड जी, ये भी ऑन ग्रेड है। और इसमें जो आपको प्राइस हम ऑफर कर रहे हैं करंटली 3 लाख की इसकी प्राइस ऑफर कर रहे हैं। कितने लाख? 3 लाख 3 लाख जी। 20 किलोवाट का ऑन ग्रेड इन्वर्टर है ठीक है। इसी से हम आगे बढ़ते हैं तो ये 50 किलोवाट का हमारे पास डिस्प्ले पे ये इन्वर्टर लगा हुआ है। 50 किलोवाट का जी, ये 50 किलोवाट है सही है ठीक है। आप दिखा सकते हैं इसको चारों तरफ से जी जी जी। इसकी प्राइस बता दें इसकी, सॉरी इसकी प्राइस बता दें सर इसकी। ब्रदर इसकी प्राइस जो हम अभी आपको दे रहे हैं, इसकी आपको दे रहे हैं 4,95,000 4,90,000 जी। अगर कराची में किसी को चाहिए तो आप जरा एड्रेस बता दें कहाँ से। कराची में अगर किसी को चाहिए तो बिल्कुल हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं, नर्सरी शाया फैसल पे हमारा ऑफिस है ठीक है। बैंगलोर नंबर 6U ब्लॉक 6 PCHS कराची ठीक है, वहाँ पे हमारा ऑफिस लोकेटेड है। आप आके हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं, कंप्लीट स्टॉक आपको वहाँ पे अवेलेबल होगा और साथ ही साथ आफ्टर सेल सर्विस भी हम उसी ऑफिस से प्रोवाइड करते हैं ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कीजिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर आप बिल्कुल ले लें 0331211462। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, सैयद अहमद मेरा नाम है। आप मुझसे नंबर पर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपके प्रोडक्ट के हवाले से, प्राइस के हवाले से, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ठीक है।